हर हर महादेव भाई, सभी को होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत आप सभी का एक नए दिन में, एक मेरे नए वीडियो में एंड एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं, बात नहीं बेसिकली आज के एपिसोड में हम लोग दिखाने वाले हैं एंड करने वाले हैं चेस्ट का वर्कआउट। ठीक है, ओनली चेस्ट रहेगा आज, कोई ट्राइसेप साथ में नहीं, जस्ट चेस्ट पे फोकस। एंड अच्छा खासा फटीक आज लेके जाना है भाई। लेग्स कल किया, थोड़ा सा फटीक है उसका कि सही से कल कर नहीं पाया था। बहुत 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 लो एनर्जी फील हुआ कल मेरे को, पता नहीं क्यों। तो सही से एक्सरसाइजेस हो नहीं पाए थे, बट आज एनर्जाइज फील कर रहा हूँ। कल देखो एनर्जाइज फील कर रहा नहीं कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा वर्कआउट किया वो मैटर करता है। पूरा खत्म किया भाई, लास्ट तक वर्कआउट खत्म किया, सब मसल्स को ट्रेन किया अच्छा से, क्वाड्स बोल लो, हैमस्ट्रिंग्स बोल लो, ग्लूट्स बोल लो, काफ्स बोल लो, ट्रेन हर मसल किया है। बट हाँ, एक होता है ना, पूरा फोकस के साथ जब एक मसल को ट्रेन करते हो तो एक अलग टाइप की खुशी मिलती है। जैसे लिफ्टिंग में अगर वेट्स आप अच्छे से उठा लेते हो तो खुशी मिलती है, सेम बॉडी बिल्डिंग में भी होता है। बट अगर आप सही से वर्कआउट कर लो उस दिन का, जो आपका वर्कआउट करना है, जो जो मसल हिट करना है, अगर वो सही से हो जाए तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। लिफ्टिंग एंड पावर, पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इज समवट सेम यार, नहीं भी है तो हम बना दे रहे हैं उसको। ठीक है, आज हम लोग करने वाले चेस्ट वर्कआउट, तीन चार मसल्स हैं भाई, उस पर बात करेंगे, उस पर काम करेंगे। स्टार्ट करेंगे नॉर्मल फ्लैट बेंच से, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग को बताते रहेंगे कौन सा मसल ट्रेन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, की बातें होंगी। तो चलते हैं वीडियो के अंदर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। सो लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन थिंग्स, जो आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा है बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को कमेंट आया था आज कि लीविंग SBD फॉर मंथ्स विल अफेक्ट योर SBD नंबर्स। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता देता हूँ कि मैंने लिफ्टिंग छोड़ी नहीं है। एज इफ आप लोग अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने लिफ्टिंग छोड़ दी है प्रॉपर, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रॉपरली चैनल सब्सक्राइब किया है तो होपफुली आप मेरे शॉर्ट वीडियोस देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हो, वही है मेन प्रॉब्लम। आप जाके मेरे शॉर्ट्स के वीडियोस देखो, वहां पर आप लोगों को दिखेगा कि मैं हर दिन पावर लिफ्टिंग के वीडियोस डाल रहा हूँ। जाके स्टोरीज देखो, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो करो, आप लोग को वहां पर भी दिखेगा। मैंने स्टोरीज भी डालता हूँ कि मैं आज क्या ट्रेन कर रहा हूँ, मैं कल क्या ट्रेन कर रहा हूँ, कितने स्क्वाट्स है, कितना रेपिटेशन वर्क है, वहां पर भी हूँ मैं। तो आप इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो मेरे को अगर नहीं किया है तो। आ गया डिस्क्रिप्शन लिंक, आ गया होगा या फिर साइड में दिख रहा होगा। मैंने नहीं छोड़ी है, कल ही मैंने हाई बार स्क्वाट किया है भाई, 107.5 के 5 रेपिटेशन के 3 सेट। कल ही मैंने बेंच प्रेस किया है 90 kg का सिंगल पॉज। तो मैं ये कर रहा हूँ बट आई एम नॉट शोइंग यू दिस, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरा अभी प्रॉपर फोकस रहे मेरा मसल बिल्डिंग में। देखो अभी मेरा फोकस मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, मेरा 70% फोकस है बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि मेरे को अच्छा फिजिक लेना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ गुड फिजिक, एंड 30% मेरा स्ट्रेंथ पे भी रहे। अगर कोई भी मेरा कॉम्पिटिशन आ जाए तो मेरे को फिर से कम्पीट करने का जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए मैंने प्रॉपर ना छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि 30% वो रहेगा मेरे में कि मेरे को स्ट्रेंथ भी रखना है अपने अंदर। एंड देन टू भाई, मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ, फिजिक विथ स्ट्रेंथ इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी, एंड मेरे को वो चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक बार स्ट्रांग रहने का नशा चढ़ गया ना, तो फिर वो यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो कि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, वो फिर फील नहीं आने वाला आपको। इसलिए यू हैव टू बी स्ट्रांग एज वेल एज यू हैव टू बिल्ड अ गुड फिजिक। इसलिए मैं अच्छा फिजिक बिल्ड करने पे भी ध्यान दे रहा हूँ कि मेरे एक अच्छा फिजिक बिल्ड हो, जिससे मैं आप लोगों को शो कर, आई हैव गुड एस्थेटिक्स ऑल्सो। सो अभी फिलहाल बॉडी बिल्डिंग पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा हूँ, और कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोग का लास्ट आंसर यही है कि मैंने लिफ्टिंग नहीं छोड़ी है, प्लीज डोंट जज मी लाइक दैट यार, कि मैंने लिफ्टिंग प्रॉपर छोड़ दी होगी। नहीं, मैंने नहीं छोड़ी है। फिलहाल हम लोग फ्लैट बेंच प्रेस चालू करते हैं। फ्लैट डंबल प्रेस बेसिकली आपके पेक्टोरस मेजर को हिट करता है, विद सम अमाउंट ऑफ डेल्ट्स एंड ट्राइसेप भी इंगेज हो जाते हैं भाई, ना चाहते हुए भी, बट क्या कर सकते हैं, है तो है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चेस्ट का वर्कआउट विथ दिस डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, डंबल फ्लैट बेंच प्रेस। सो पहला सेट है, ज्यादा हैवी नहीं लूंगा, नॉर्मल, एंड उसके बाद फिर डायरेक्टली टॉप सेट में भी दिखाऊंगा कि मैं कितना हैवी ले रहा हूं। चलो थर्टीन
दिस वॉज द फर्स्ट सेट जिसपे मैंने 15 रेपिटेशन प्रॉपर लगाए हैं एंड उसके बाद 5 रेपिटेशन पार्शियल्स थे। अब ये 15 वाला तो देख लिया, अब देखते हैं टॉप सेट पे कितना रेपिटेशन आता है। मैं चाहता हूँ मेरे टॉप सेट पे एटलीस्ट 10 से 12 रेपिटेशन आए सेम कंट्रोल मैनर में, आगे तो बढ़िया, एंड उसके बाद पार्शियल जितने भी आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेरा फोकस रहेगा कि उसमें मैं एटलीस्ट 10 से 12 रेपिटेशन निकाल पाऊँ जो मेरा टॉप सेट होगा। अब वो देखते हैं धीरे वार्मअप्स में कितना जाता है, एंड मैंने लिफ्टिंग नहीं छोड़ी है प्लीज। सो इट्स टाइम फॉर द टॉप सेट, एंड टॉप सेट थोड़ा हैवी है, समवट 60 की चीज बार लोडेड, लेकिन इंडिविजुअल डंबल 30-30 की चीज बहुत मैटर करता है भाई, अलग अलग हाथ पे। अभी बहुत दिन बाद रिस्ट स्ट्रैप भी पहनने वाला हूँ यार, क्योंकि पुश नहीं कर पा रहा था सही से, सोचा कि रिस्ट स्ट्रैप पहन लेता हूँ, क्या पता शायद पुश कर पाऊँ। पहनते हैं इसको एंड फिर लगाते हैं 30 के जीज के रेपिटेशंस। बता तो चुका हूँ कि मेरे को कितना चाहिए, अभी देखना ही है आता कितना है, मैटर वो करता है। पहन लिया, चलो स्टार्ट। नाइन्थ रिपीटेशन आया, उसके बाद फिर 10th नहीं आया यार, एक रिपीटेशन और चाहिए था, कितना बस मेरा जो गोल था कंप्लीट हो जाता, बट ठीक है। पार्शियल रेप्स भी सही नहीं लगा पाया क्योंकि सही से कॉन्ट्रैक्शन बना ही नहीं, 25 के जी का डंबल तक कॉन्ट्रैक्शन सही था, इजीली मूव हो रहा था। आई गेस 10 किलो का जंप वॉज नॉट अ गुड आइडिया, 25 की पे करना था, 25 के जी पे करना था, टोटल 4 सेट तो हो गए, बट कोई बात नहीं, हो सकता है नेक्स्ट दिन जब मान के चलो 20-25-30 करूँ थोड़ा फ्रेश रहूँगा, मेरा का जो सेट मारा था अगर वो नहीं होगा तो आई गेस ज़्यादा बेटर होगा। एक्सक्यूजेस नहीं देने भाई, जो हो गया सो हो गया, 9 रेपिटेशन किया है, कोई बात नहीं है, 10th वाला पार्शली समझ लो। अब ये कंप्लीट हो गया नॉर्मल फ्लैट डंबल बेंच प्रेस, अभी हम लोग चलेंगे इंक्लाइंड पे, ठीक है इंक्लाइंड पे चलते हैं फिर बात करते हैं। सो भाई अब हम लोग करने वाले हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस, बता देता हूँ उसमें पेक्टोरलस मेजर होता है, उसमें 3 हेड्स आते हैं, ठीक है, कैल्विकुलर हेड, स्टर्नोकॉस्टल हेड, एब्डोमिनल हेड। तो कैल्विकुलर हेड हो जाता है अपर, जिसको हम लोग अपर चेस्ट बोलते हैं, स्टर्नोकॉस्टल हेड हो जाता है मिडिल, और एब्डोमिनल हेड हो जाता है लोअर। तो अभी हम लोग अपर चेस्ट के लिए वर्कआउट करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस, स्टार्ट करते हैं नॉर्मली भाई वही 12 से 15 रेपिटेशन का रेप रेंज होगा, एंड उसके बाद पार्शियल अपने हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। स्टार्ट करेंगे इसको 4 से ही सेट करना है, एंड इसमें मैं ज्यादा पुश नहीं करूंगा, जैसे मैंने पैरासेट में पुश कर दी, इसमें कोई पुश वाला बात नहीं, वेट्स पुश करना है इस पे, नॉर्मल जो भी वेट्स रहेगा उस हिसाब से 4 सेट परफॉर्म करना है। लाइक अगर मेरे को लग रहा है 20 केजीज ही मैं अप्लाई, मैं 20 केजीज के साथ ही सेट परफॉर्म कर पाऊंगा, 25-30 तक मैं नहीं जा पाऊंगा, तो मैं 25 पे ही रेपिटेशन का ट्राई करूंगा, इसमें पार्शल जाएगा। या आप भी कर सकते हो पहला सेट में जितना हो सके पुश करते हैं, सेकंड सेट में फटीक पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि हो सकता है ज्यादा वेट आपका हिसाब का नहीं हो एंड उस पर पुश करने पे आपको इंजरी है, इसी वजह से एक वेट चूज कर लेना, उस वेट एक सेफ वेट के अंदर अगर आप ट्रेन करोगे तो बेटर है, जब तक आपका बॉडी अडॉप्ट नहीं हो जाता, एंड फिर वीक टू वीक वेट चेंज होता रहना चाहिए, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिसको हम लोग बोलते हैं वो होते रहना चाहिए। अभी स्टार्ट करते हैं 20 केजी का डंबल से, देखते हैं कितना रेपिटेशन 12 से 15 रेप रेंज में कितना रेप्स आता है। 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12,
15 प्रॉपर रेपिटेशन एंड उसके बाद 5 पार्शियल रेपिटेशन, ये था एक कंप्लीट सेट। इसके बाद अब चलेंगे दूसरे एक्सरसाइज पे, उस टाइम पे आप लोगों को बताएंगे, बट होप आप लोग को ये पेक्टोरालिस मेजर की जो 3 हेड्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा, जितना मेरे को पता चला मैं ऑब्वियसली बता देता हूँ भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स। बाकी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ। सो इट्स टाइम टू ट्रेन द एब्डोमिनल हेड ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर, मतलब लोअर चेस्ट। बहुत साइंटिफिक नाम में जा रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट लोअर चेस्ट को ट्रेन करने का टाइम आ चुका है। एंड लोअर चेस्ट को नॉर्मली आप कैसे ट्रेन कर सकते हो, जैसा मैं करता हूँ भाई, एंड देखो डंबल से करने का मतलब यही है भाई कि देखो अगर आप बार से कर रहे हो, बार से चेस्ट का वर्कआउट करो, इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बार है वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है एंड आपका हाथ स्टिफ रहता है, हाथ का मूवमेंट ज्यादा नहीं आता, बट उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन भी सही से नहीं मिलता आपके मसल्स को। बट अगर आप डंबल परफॉर्म करते हो ना तो कॉन्ट्रैक्शन सही मिलता है, आप अपने हिसाब से डंबल को एडजस्ट कर सकते हो, स्क्वीज कर सकते हो अपने चेस्ट को जितना हो सके, ठीक है। तो इसलिए मैं डंबल पे करना प्रेफर करता हूँ जब मैं बॉडी बिल्डिंग परस्पेक्टिव से काम कर रहा हूँ। बाकी पावर लिफ्टिंग परस्पेक्टिव पे तो कल ही मैंने बेंच मारा है भाई 90 kg का सिंगल पॉज, जो वही है भाई। एंड अभी हम लोग करेंगे डिक्लाइन डंबल प्रेस, जो 20 kg से करूँगा मैं, एंड रेप रेंज वही रहेगा, 12-15 का रेप रेंज रहेगा, 12 तक जाने का ट्राई करूंगा। हेक्टिक है मानता हूँ क्योंकि 2 वर्कआउट हो चुका है, मतलब डिक्लाइन, इंक्लाइन और फ्लैट बेंच प्रेस हो चुकी है, बट डिक्लाइन भी करना है तो करना है, दैट्स इट। स्लो एंड कंट्रोल मैनर में रेप लगाना है। अभी जस्ट मैंने एक स्टोरी डाला इंस्टाग्राम पे, उस पर लिखा हुआ है भाई, कंट्रोल एंड ईजी रेप्स इक्वल्स टू अ गुड वर्कआउट। सो इफ यू वॉन्ट अ गुड वर्कआउट, कंट्रोल रेप्स लगाओ भाई, कंट्रोल रेप्स इज वॉट मैटर्स। अगर ज्यादा स्पीडी रेप्स लगाओगे कंट्रोल नहीं रहेगा, डंबल मुंह पे ही गिर जाएगा, हो सकता है क्योंकि कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है हाथ से डंबल छूट वगैरह जाए, या तो एंगल गलत हो तो कहीं एल्बोज वगैरह में इंजरी आ जाए, ठीक है। बहुत जन के होते हैं, बहुत एथलीट्स के होते हैं, एंड वो बहुत लंबा सफर करता है भाई एल्बो इंजरी में, इसी वजह से भगवान ना करे किसी को हो, बट हाँ कंट्रोल में लगाओ तो आएगा, होप्स हो कि नहीं होगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिक्लाइन डंबल प्रेस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. कभी कभी सर ऊपर आ जाता है जब आई नो कि रैपर रेप्स नहीं लगते तो ऑटोमेटिकली सर उठ जाता है, जो सही चीज नहीं है, सर कभी नर्व्स खींच सकता है। ट्राई करूंगा धीरे धीरे इस पे कंट्रोल लाऊं। एंड भाई पता नहीं क्या हुआ, 10th रेपिटेशन के बाद 11th जब मैं पुश कर रहा हूँ ना, 11th या 12th रेपिटेशन था, मेरा ट्राइसेप पकड़ लिया भाई, लिटरली पूरा फटिका गया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया ऊपर, उसके बाद जब पुश किया तो 12th रेपिटेशन आ गया अच्छे से। ये होता है कभी कभी, हो सकता है आप लोग के साथ भी, जब कंट्रोल मैनर में रेप्स लगाओगे बॉडी जब अच्छा रिएक्ट करेगा तो ट्राइसेप हो सकता है पकड़ ले या पंप ले ले, वो मद्देनजर रखते हुए आपको सही से वर्कआउट करना है। बाकी ये था मेरा पहला सेट डिक्लाइन डंबल प्रेस का, अभी और 3 सेट्स बाकी है, सो वहाँ वो कर लेते हैं, फिर आप लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलते हैं। फिनिशर लगाऊंगा फिर वर्कआउट खत्म कर दूंगा। बॉडी बिल्डिंग इज गुड भाई, अच्छा लगता है, कभी कभी करना चाहिए आप लोग को भी थोड़ा चेंजेस। 3 महीने में कुछ नहीं खत्म होता अगर आप छोड़ो ही ना उस चीज को, तो समझ रहे हो, समझ रहे हो। सो इट्स टाइम फॉर द लास्ट वर्कआउट जो होगा फिनिशर हम लोग का चेस्ट के लिए। ओवरऑल चेस्ट को एक साथ एंगेज करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं ये होगा पेक डेक फ्लाई। तो अभी स्टार्ट करते हैं पेक डेक फ्लाई। अभी बार लोड 35 kg कर दिए हैं, नॉर्मली पूरा एकदम सटाना नहीं है, हाफ रेंज में रखना है, जितना रेंज में आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो जाए, उसके बाद आपको अगर कॉन्ट्रैक्शन वहां फील नहीं हो रहा तो आप और क्लोज ला सकते हो, वहां पर डिपेंड करता है। मैन स्लोली छोड़ना है, छोड़ने वाला मैन थोड़ा स्लो जाएगा, टीयूटी पे थोड़ा रखना है, एंड लास्ट में थोड़े बहुत पार्शियल रेप्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, तो अच्छे से करना। और हाँ, पेकना बहुत जन ऐसे करके करते हैं, मत करना भाई, खिंच जाएगा शोल्डर लिटरली। एक बार मेरे साथ हुआ था, शोल्डर लिटरली खिंच गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा
अच्छे से करना है, एक स्पेसिफिक अच्छा एंगल शिफ्ट करने के बाद जो आपके शोल्डर आपके हाइट एंड आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होगा। अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग करना, अननेचुरल मूवमेंट विल गिव यू इंजरीज, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम अननेचुरल मूवमेंट्स। हाँ जोड़ रहे हैं प्लीज। अभी स्टार्ट करते हैं 40 kg, ओ सॉरी 35। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। सो ये था मेरा फिनिशर फॉर चेस्ट, ओवरऑल चेस्ट खत्म हो गया भाई फिनिशर, एंड ये था आज का लास्ट एक्सरसाइज भी। होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या क्या मसल्स होते हैं, कौन कौन से हेड्स होते हैं पेक्टोरिलिस मेजर में, एंड कैसे करके वर्क करता है हर एक सिस्टम। थोड़ा थोड़ा जो मेरे को समझ में आया अभी तक जो मैंने पढ़ा वगैरह उसके हिसाब से मैंने आपको बताया, तो होप आप लोग को थोड़ा सा पसंद आया होगा एंड थोड़ा आपको नॉलेज में थोड़ा बहुत बूस्ट दिया होगा। मैं कोई पर्सनल ट्रेनर तो हूँ नहीं ऐसे स्पेसिफिकली, या फिर सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ नहीं जो आपको एकदम एग्जैक्ट बता पाए कि यही होता ही है। जिस दिन बन जाऊंगा ऑब्वियसली मैं बोलूंगा, बाकी अभी जितना मेरे को पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। बाकी सो दिस इज अ सीजन, मीट यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।